आक्रोश की लहर है और हम बता दें राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बंद का आह्वान किया गया था और राष्ट्रीय जनता दल ने आज पूरे दरभंगा में बंद किया। भोला यादव हैं विधायक बहादुरपुर और आज नजर आ रहे हैं बंद के दौरान। यहाँ पे कई सवाल हैं जो जनता भी पूछ रही है, क्या ये आप लोग को मालूम नहीं था कि नागरिकता संशोधन बिल आ रहा है, जबकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को स्पष्ट लिखा था कि जब हमारी सरकार आएगी तब करेंगे, आपने चुनाव में इस मुद्दे को जनता के बीच क्यों नहीं लिया? देखिए, जो ये नागरिकता बिल है इसका स्वरूप उस समय स्पष्ट नहीं था। जब इसका स्वरूप स्पष्ट हुआ है तब हम लोगों को पता चला कि ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो बन गया ये गरीब विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, बल्कि पूरे तौर पर मुस्लिम को एक बहाना बनाया जा रहा है और उन गरीबों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है जो लोग भूमिहीन रहते हुए भी भारत के नागरिक थे और जिनके पुरखे आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानियां दी थी, वो लोग भारत के नागरिक के तौर पर अपने वोट के अधिकार के बदौलत अपना सरकार बनाते थे। हमारे लालू जी कहा करते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, तो जितने भी छोटे लोग थे अपने वोट के बदौलत अपना राज स्थापित करता था। उस राज को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का, उनके वोट के अधिकार को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने बोला का ये मकसूबा है। घुसपैठिया पूरे देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, गंभीर मुद्दा, उस पर आपका क्या स्टैंड है? घुसपैठिया क्या पूरे भारत में जो जगह जगह प्रवेश कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, जो कि यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार से रोजगार में दिक्कत हो रही है, तो किस तरह संस्कृति में घुसपैठिया क्या? देखिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत के पास में प्रचुर मात्रा में सेना है और सारे बॉर्डर पर घुसपैठिया को रोकने के लिए सेना मौजूद है। जिनको ये घुसपैठिया कर रहे हैं वो घुसपैठिया नहीं है बल्कि वो दलित और गरीब है जिसको कि ये घुसपैठिया कर रहे हैं, जो भूमिहीन है उसको ये घुसपैठिया कर रहे हैं, जो मुसलमान के पुरखे यहाँ रहे उनके पास जमीन नहीं है उसको ये घुसपैठिया कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी यहाँ के पास चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 1971 से पहले का नहीं है उसको ये घुसपैठिया कर रहे हैं। ये घुसपैठिया कहीं कुछ है नहीं। जब भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश डिवीजन हुआ उस समय में जो लोग यहाँ आए, उस समय में जो यहाँ का नागरिकता जो अपनाए, उसी को ये नागरिकता खत्म करने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। यहाँ घुसपैठिया शब्द कोई है ही नहीं। यदि आप घुसपैठिया उसको कहते हैं तो आप चिन्हित कीजिए और उस घुसपैठिया को बाहर कीजिए, लेकिन किसी पूरे देश को एक लाइन में जिस तरह से नोटबंदी में आप खड़ा कर दिए उसी तरह से ये कानून ला करके इस तरह से पूरे देश को लाइन में खड़ा कीजिए, जो आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए आप कैसे नागरिक हैं। तो आज असम के अंदर NRC लागू किया, 13 लाख हिंदू बेघर है और उसके पास उसके पुरखे इसी जमीन पर पैदा लिए, इसी जमीन पर मरे और वो लोग अपने घर से बेघर हैं। 7 लाख मुसलमान जो यहीं पैदा लिए उन लोगों की स्थिति नारकीय है और प्रवासी जिंदगी जीने के लिए बेबस है, उनके खाते में जो पैसा वो निकाल नहीं पा रहे हैं और अपना जिंदगी किसी तरह शरणार्थियों की तरह समय बिता रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है, इसमें किस तरह का संशोधन होना चाहिए जो दोनों को फायदा पहुंचे, क्योंकि ये नागरिकता तो हर व्यक्ति को लेने का अधिकार है, तो नागरिकता के अधिकार का भी तो कोई स्वरूप होना चाहिए। आपका स्टैंड क्या? हमारा स्टैंड क्लियर है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसके संविधान का प्रेम्बल में है जो भारत धर्म निरपेक्ष गणराज्य है। तो जब धर्म निरपेक्ष गणराज्य है और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ओथ लेते हैं जो भारत की अखंडता और एकता को मैं अक्षुण रखूंगा, तो फिर ये धर्म के आधार पर ये किस तरह का कानून बना रहे हैं, जो फलाने धर्म वाले को हम ये करेंगे तो फलाने को ये करेंगे, जो गरीब है उसको हम नागरिक नहीं रहने देंगे। कहीं ना कहीं भारत के संविधान के मूल जो टेम्पो है उस टेम्पो को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास है और ये अपनी नागपुरिया कानून इसमें घुसाना चाहते हैं और इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। भोला जी, लोग पूछते हैं आपकी केंद्र में सरकार रही है लगातार वर्षों से, आपने गंभीर मुद्दे को छेड़ना पसंद नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि इस गंभीर मुद्दे को चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे ये नागरिकता 1955 की नागरिकता संशोधन उसी को संशोधित, आप लोगों ने क्यों नहीं अपने तरीके से, आपकी सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी,
आप लोगों ने संविधान बनाया तो उस समय क्यों नहीं इस मुद्दे को छेड़ा गया, अपने तरीके से आप बना लेते इसको? देखिए, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय के परिस्थिति के हिसाब से 370 लागू किया गया था। ये कोई लागू नहीं किया गया बल्कि एक समझौता था और समझौता के तहत आया था 370। ये अपना पीठ जो थपथपा रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, ये भूल जाए जो 370 से देश का क्या भला होने वाला है, कश्मीर का क्या भला होने वाला है, ये भूल जाए। कश्मीर की स्थिति नारकीय हो गई है और आप जा करके देखिए सारे मीडिया सेंसर हैं, वहाँ की खबरें नहीं आ रही हैं। आप पूर्वोत्तर का इलाका देखिए, वहाँ की खबरें नहीं आ रही हैं, सारे मीडिया को सेंसर कर दिया गया है, पूरा देश जल रहा है। ये जो हमारा जो शांति का मिशन था संविधान में, जो हमारा शांति का जो मिशन बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो दिया था, उसको कहीं ना कहीं ये ध्वस्त करके हिंदू मुस्लिम में जो आपसी एकता भाईचारा था उसको समाप्त करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद हो और ये अपना रोटी सेकने वाली नहीं है। और कहीं ना कहीं ये दलित पिछड़ों को टारगेट करके उनकी नागरिकता को जो खत्म करना चाहते हैं, इसके बहकावे में आने वाली ये लोग नहीं है। और इनका जवाब निश्चित तौर से हमारी पार्टी और महागठबंधन के लोग सड़क से लेकर सदन तक देने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, तो भोला यादव हैं और हम बता दें हमारे साथ सुनीति रंजन दास हैं। तो ये बताइए आज किस तरह कहां कहां आप लोगों ने किस नेतृत्व पर बम किया? आज पूरे बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व में NRC वापस लेने के लिए बिहार को ऐतिहासिक बंद किया गया है। हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जनता का वोट मांगा था तो कहा था कि मैं घोटाले और बेरोजगारी को दूर करूंगा, देश को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा था कि जनधन योजना के माध्यम से हम पूरे आज का बताइए किस तरह का आपने किया, कहां कहां जाम बंद है? जाम है आपको सुनकी जाम है, इधर डिलाही जाम है, इधर जो है चंदन पट्टी जाम है, इधर फेकला जाम है, पूरे जगह जाम है। हम लोगों ने शांतिपूर्ण रूपेण बंद किया है और मैं बंद के माध्यम से मांग करता हूं कि भूख भय भ्रष्टाचार से के लिए लोग लड़ रहा है बिहार के भारत के अंदर में, लेकिन आप मुद्दा से भटकाते हैं जनता को। ये मुसलमान तो एक बहाना है लेकिन आपका निशाना दलित और पिछड़ी जातियों पर है। आप जो मांग रहे हैं प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र कौन देगा जो खेत खलिहान में रहता है, सड़क के किनारे रहता है, श्मशान घाट के किनारे रहता है, चौर चाचर में रहता है, वो दलित बैकवर्ड कहां से आपको पेपर दिखाने का काम करेगा? आप उसको नागरिकता नहीं दीजिएगा और देश से बाहर निकालने की बात करते हैं? ये भारत आदर्श मूल भारत देश है, जितना ही हिंदू का अधिकार है उतना ही मुसलमान और सिख और ईसाई का भी अधिकार है, इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो बार बार छेड़ने का काम करता है वो छेड़ना बंद करे और अगर ईमानदारी से एक दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा अंबेडकर की संविधान को अगर लागू कर दे तो मेरा देश आर्थिक स्थिति से उठ करके आगे बढ़ने का काम करेगा। इस कारण हम लोग आज बंद किए। क्या बनता है NRC कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के आह्वान पे आज हम लोग बंदी किए हुए हैं। संपूर्ण बिहार बंद है, जब तक NRC कानून वापस नहीं लिया जाता है हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक जो भी पार्टी का आदेश होगा, पार्टी के सच्चा सिपाही होने के नाते हम लोग इस आंदोलन में शरीक होते रहेंगे जब तक NRC कानून हमारे देश से वापस नहीं ले जाता है। क्योंकि NRC कानून भारतीय संविधान से छेड़छाड़ है, बाबा साहब को जो लिखे हुए संविधान थे उनसे भी छेड़छाड़ किया गया है और ये NRC कानून देश हित में धर्म को बांटने वाला कानून है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। लगातार हम आपको दिखला रहे हैं दरभंगा में बंद है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज लहरिया टावर से लेकर के दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों से ये जुलूस के रूप में भोला यादव है, यहाँ पर स्मृति रंजन दास है और कई राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं और सभी एक बात के समर्थन में है कि जो शब्द आपने छोड़ा है मुस्लिम शब्द को जोड़ दीजिए, सारा मामला खत्म हो जाएगा। यहाँ की नागरिकता की बात है, नागरिकता संशोधन बिल को भी पढ़ने की आवश्यकता है। जो एक्ट बनाया गया उस एक्ट में पहले 11 साल आपको रहना था लेकिन अब 5 साल है, तो कई ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस पर लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर इसके निगेटिव प्वाइंट हैं तो पॉजिटिव भी काफी है। हमें लगता है कि आम लोगों को भी इसे
अवेयर होना चाहिए।